क्या दोस्तों आपको भी इस तरीके का एरर शो हो रहा है जब आप कॉल फॉरवर्डिंग करने जाते हैं या कोई भी आप कॉल सेटिंग करने जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको इस तरीके से एक एरर आ रहा होगा, नेटवर्क और सिम कार्ड एरर। इस एरर को मैं फिक्स करूंगा आज की इस वीडियो में विद प्रूफ, यहाँ पे आपको मैं फिक्स करके दिखाऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं इस प्रॉब्लम को आपको कैसे फिक्स करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर देना होगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना होगा और सीधे आ जाना होगा जो मैं प्रॉब्लम फिक्स करूंगा उसे सॉल्व करने के लिए। तो जिस भी फ़ोन में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना होगा आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर। मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपकी जो भी सिम हो, ठीक है, जैसे सिम फर्स्ट है हमारी, उस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब यहाँ पे आपको आने के बाद सिंपल से डाटा रोमिंग आपको ऑन कर लेनी होगी, ठीक है। वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन बंद कर देना होगा। एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करके यहाँ टू डॉट्स पे क्लिक करेंगे, रीसेट एक्सेस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, इसे आपको रीसेट कर देना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है तो नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इस तरीके से ऑटो सेलेक्ट आएगा, इसे आपको यहाँ से अगर बंद है तो आपको ऑन कर देना होगा, ठीक है, ऑन कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप बाहर निकलेंगे इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, सिंपल से जाना है आपको अपने ऐप मैनेजमेंट में, आपके जहाँ ऐप होते हैं वहाँ पे चले जाना होगा, ऐप लिस्ट है, ठीक है, आपके फ़ोन में मैनेज ऐप भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डायलर सर्च करना है, यानी कि जिस भी डायलर से आप कॉल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉल सेटिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। कॉल सेटिंग यहाँ नहीं आ रही है तो फिर आपको यहाँ टू डॉट्स पे क्लिक करके सो सिस्टम पे क्लिक कर देना होगा। फिर आपको यहाँ लिखना है कॉल, कॉल लिखेंगे यहाँ पे आपको कॉल मैनेजमेंट, कॉल इस तरीके से फ़ोन इस तरीके से है तो कॉल मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, इसे फोर्स स्टॉप करेंगे, क्लियर कैच क्लियर डाटा दोनों कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको परमिशन पे क्लिक करके ये तीनों परमिशन अलाउ कर देनी होंगी, बेसिकली अलाउ तो होती हैं, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। फिर दूसरा नंबर है फ़ोन कॉल का, इस पर क्लिक करके इसे फोर्स स्टॉप करेंगे, स्टोरेज पे क्लिक करके क्लियर कैच कर देंगे इसका भी, और यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करके ये सभी परमिशन आपको दे देनी होगी, ठीक है, वैसे पहले से होती हैं, ठीक। यहाँ से ये दोनों काम करने के बाद सिंपल से आप बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए। मोबाइल को स्विच ऑफ करके जब ऑन करेंगे फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में गूगल का डायलर है तब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यहाँ लिखना है फ़ोन बाय गूगल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे फ़ोन बाय गूगल, फ़ोन बाय गूगल लिखेंगे। इस तरीके से आपके सामने ये डायलर आ जाएगा, यहाँ से इसे आपको अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। अपडेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पेंडिंग थोड़ी बहुत देर शो होगा और यहाँ से अपडेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर ये पहले से आपके फ़ोन में ये नहीं शो हो रहा है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी तरीका मैं बताऊँगा क्या करना होगा, ठीक है। चलिए इसे हम कंप्लीट अपडेट कर देते हैं। अपडेट होने के बाद सिंपल से आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन, तो आपको यहाँ ज्वाइन बीटा कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद आपके अपने पावर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा, दबा के यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा रिस्टार्ट। तो ऊपर आप रिस्टार्ट करेंगे और आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। फिर भी नहीं हो रही है तो 198 पे कॉल कीजिए, कस्टमर केयर से बात कीजिए, आपकी जियो की सिम हो या वोडाफोन की, आइडिया, वीआई, ठीक है, एयरटेल वगैरह किसी की हो, कस्टमर केयर से बात कीजिए और बता दीजिए इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्व कर देंगे। बेसिकली जो जानकारी मैंने दी है उससे सही हो गई होगी। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।